क्यों भाई, क्यों हत्या की अपने भाई की? सर बहुत प्रॉब्लम है सर, मतलब प्रॉब्लम होगा तो हत्या कर दोगे? प्रॉब्लम का निराकरण के और भी तरीके हैं ना, थर्मोकोल काटने वाले हो तुमने आदमी को ही काट डाला, पीते हो तो उसमें तो तकलीफ हो रही है, भाई पी रहा है, खुद पी रहा हो तो कोई तकलीफ नहीं है। नाम क्या है? अमरनाथ जंघेर। जंघेर क्यों भाई, क्यों हत्या की अपने भाई की? सर बहुत प्रॉब्लम है सर, मतलब प्रॉब्लम होगा तो हत्या कर दोगे? प्रॉब्लम का निराकरण के और भी तरीके हैं ना, करके देखे सर। क्या क्या करके देखे तुम? पहले तो नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किए थे। नशा मुक्ति केंद्र में भाई को एडमिट किए, कितने दिन एडमिट किए? एक महीने। कब की बात है ये? पाँच साल पहले तुमने इनको एडमिट कराया, इलाज कराया, इलाज से वो ठीक नहीं हुआ। कौन सा नशा करता है जो तुम भर्ती कराए तुम लोग? नशा सर गोली है, गांजा दारू। गोली गांजा दारू का नशा करता था। शादी हुई थी क्या उसकी? शादी हुई थी सर, शादी होने के बाद 6-7 महीने बाद तलाक दे दी उसकी वाइफ चली गई, क्योंकि वो वही जो हरकत थी उनके कारण, उसी हरकत के कारण। तो तुमने कब मन बना लिया कि अब हत्या करनी है? मन नहीं था सर, डेली का वही 10 साल से झेल रहे थे घर वाले, मैं भी, सब लोग, मतलब फैमिली बाहर सब मारपीट, मम्मी को मारना, पापा को मारना, बहुत परेशान हो गए थे। फिर क्या किया परेशानी में तुमने? कंप्लेन भी किए 2-3 बार। कहाँ कंप्लेन किए? कुर्सी पर थाने में कंप्लेन। क्या कोई निवारण नहीं हुआ? निवारण नहीं हुआ, तुमने खुद ही निवारण कर लिया। बहुत परेशानी कर रहे थे मम्मी पापा, बहुत परेशान। तो मम्मी पापा के लिए तुमने भाई की हत्या कर दी है? हाँ बस वही था। हाँ सोच, तो दूध के धुले आदमी हो। तो कैसे मारा तुमने? सामान से तो मारा हो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, ये थर्मोकोल काटने वाले हो तुमने आदमी को ही काट डाला। गलती तो किए हो तो सजा भी मिलेगी उसकी तो भाई। तो ये कैसे, कहाँ से खरीदे इसको? ये वेंकटेश्वरम। हाँ वेंकटेश्वरम दुकान का नाम है सर। दुकान का नाम है, कितने का लिए? ये 30 रुपये। कब लिए? ये उसी दिन लिए। 30 रुपये भी आदमी की कीमत नहीं है, बताओ 30 रुपये में ये खरीदे, उसी दिन खरीदे, कितने बजे खरीदे इसको? सर 4:10 हाँ 4:10 तक। 4:10 क्या तुम्हारा हिसाब किताब है, मतलब एक एक मिनट और सेकंड का हिसाब रखते हो? तो 4:10 पे तुम खरीदे, उसके बाद क्या किए? उसके बाद सीधे लेके गए थे सर, साथ में ही थे। साथ में खरीदे क्या? नहीं, उनको आगे खड़े कर दिए सर गाड़ी में। हाँ हाँ, उसके में लेके आए, जेब में रख लिया। जेब में रख लिया, हाँ हाँ। और फिर क्या किए? साथ में भट्टी गए थे सर। भट्टी, दारू भट्टी। तुम भी पीते हो? उसमें पिया था सर मैं भी। पीते हो? नहीं पीते हो, अच्छा तुम भी पीते हो तो उसमें तो तकलीफ हो रही है, भाई पी रहा है, खुद पी रहा हो तो कोई तकलीफ नहीं है। मारना पीटना हिंसा नहीं करना चाहिए, पीना अच्छी चीज़ है, पीने के बाद हिंसा नहीं करनी चाहिए, सही बोल रहे हो। हाँ तो फिर तुम साथ में लेके कहाँ गए? दारू भट्टी गए। कौन सा दारू भट्टी? मसाला। हाँ मसाले का क्वार्टर, 3 क्वार्टर लिए। मसाले का 3 क्वार्टर लिए, उसके बाद क्या किए? चुकना दुकान गए थे सर, छोटा सा पानी और जो भी है वो सब लिए थे। फिर क्या किए? एक देखे सर रोड दिखा सुनसान डेड में, उधर लेके गए थे सर। कहाँ पे? सुनसान जैसे कच्ची रोड होती, खेत। ठीक है, वहाँ गए, फिर क्या किए? उसके साथ में रख के पिए सर, रख के उसको जाए 2 क्वार्टर वो पिए थे सर, मैं एक ही पिया था, और पहले से वो पिया हुआ था, और लेट गया सर मेरे को। हाँ नशे में इसी बात हत्या हुआ। हत्या कर दी है सर। कितना टाइम लगा हत्या करने में? अंदर नहीं जाना सर, वो वहाँ पी के वैसे बैठे थे, पिए खाने में 1 घंटा तक तो हम लोग सिर्फ पीने खाने। कहाँ कहाँ पे, कहाँ पे हमला किए चाकू से? गर्दन में किए, खून निकलने लग गया होगा। तो ये कहाँ पे, किस जगह पे हत्या की है? बोधा गाँव से, ननखट्टी रोड में। ननखट्टी रोड में जी। और फिर वो जब मर गया तो वहाँ से भाग निकले जी। तो कपड़े उपड़े उतार दिए थे तुमने उसके? जी सर। क्यों, कपड़े क्यों उतार दिए थे? बेहोशी के नशे में पहले कपड़े उतार दिए थे। क्यों? मतलब सोचा कि बच जाऊंगा बचने की कोशिश करने के लिए, छिपाने, एविडेंस छिपाने के लिए, लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए डर लगा, डर के मारे भाग गए थे। डर के कारण भाग गए थे, डर लगता तो इस तरह की हरकत ही नहीं करते। और घर आने के बाद किसी को बताए? नहीं किसी को नहीं बताए। सोचे थे कि पकड़े जाओगे?
बिल्कुल सर। ये कैसे सोचे हो तुम तो? इधर तो कब तक छुपेंगे वो सब चीज़ ऐसा? मुझे पकड़ा नहीं। तुमने बहुत शातिर ढंग से किया था, लेकिन कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं। जी सर। तुम्हारी शादी वादी हुई या नहीं हुई? कि गुस्से में हो गया, गलती से हो गया कि प्लानिंग से हुआ? एक तरह से प्लानिंग ही था, लेकिन खरीदे हो तो बहुत इतना नहीं हो पाया, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया मेरे को भी, और माँ बाप को देख के कंट्रोल नहीं कर पाया। माँ बाप अभी माँ बाप बहुत खुश हैं? दुख होंगे सर, लेकिन कम से कम दो टाइम का रोटी चैन से तो खाएंगे। ऐसा क्या? और तुम भी जेल में चैन की रोटी खाओगे क्यों? देख लोगे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तो माँ बाप खुश तो मैं खुश। हाँ हाँ माँ बाप खुश तो तुम खुश। माँ बाप को कौन सी खुशी दे दी हो? एक बेटे को ख़त्म कर दिया तुमने, एक बेटा जेल चला गया। खुशी नहीं थी। क्या थी? खुशी नहीं थे वो उनसे, माँ बाप फैमिली हो गई और ये जितने भी बस्ती वाले सब। तो बस्ती वाले भी खुश हैं उसके मरने से? सब खुश हो जाएंगे सर। हाँ सब खुश हो, सब खुश हो जाएंगे। सबको गाली गलौज मारपीट, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते सर। ऐसा मुझसे अब जब बता ही नहीं सकते। ऐसा क्या? तो देखो नशे से कितना नुकसान है। क्या अपील करोगे नशा के बारे में? नशा कुछ भी हो सर, लिमिट से करो किसी भी चीज़ को, कोई बुरा नहीं है। बुरा नहीं है नशा, तो अच्छी चीज़ है। नहीं हर चीज़ को लिमिट से करने से लिमिट से ठीक है। कोई ओवर करोगे, खाना भी ओवर खाएंगे तो बैक हो जाएगा। हाँ नशा और खाना एक तरह की चीज़ है, सही बात है। दोनों स्वादिष्ट है। कौन सा नशा अच्छा है तुम्हारे हिसाब से, कौन सा खराब है? तो सर अब जो करता है वो बताएगा मेरे को, तो मैं तो ड्रिंक ही करता हूँ। तो ड्रिंक के बारे में क्या राय है तुम्हारी? ड्रिंक तो नॉर्मल, जैसे पार्टी वगैरह शादी हो गई तो उसमें ले लिया, तो अच्छी चीज़ है वो तो। एंजॉयमेंट भी है, एंजॉयमेंट मिलता है। क्या एंजॉयमेंट होता है शराब पीने के बाद? कुछ नहीं सर, लाइफ में थोड़ा एंजॉय कर लिया बस। लाइफ में थोड़े एंजॉयमेंट के लिए ले लिया और कुछ नहीं। सही बात, तो कुछ होने वाला है, कुछ तो नुकसान होता नहीं है। सही, मतलब नुकसान होगा। भाई तो कितने भाई बहन हो? दो भाई थे सर। सिस्टर नहीं है सर। चल।